सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी, आज हम लोग डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित जो दो कविताएं पढ़ चुके हैं, पहला आपका था आत्मपरिचय, मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यहाँ से शुरू किया था। दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी, और यदि हुई है तो पुनः एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे निजी नंबरों पर या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे वह चीज़ें बताइए जो भी आपकी समस्या होगी, उसका अगले वीडियो में निदान भी किया जाएगा। ध्यान दीजिए, अब हम आते हैं अपने पाठ के पढ़ने के बाद सीबीएसई में भावार्थ नहीं परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इससे संबंधित जो कुछ तार्किक प्रश्न छोटे छोटे होते हैं, अति संक्षिप्त, इनकी चर्चा करते हैं। इस हिसाब से लगभग 6 प्रश्न हमारे पाठ में पूछे गए हैं, जिन पर थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा, जिससे आपको लिखने में बड़ी आसानी होगी, लिखने में बहुत सरलता होगी। आप इसको नोट्स में बनाए रखेंगे तो जब विद्यालय आपका ओपन होगा तो वहाँ हम लोगों को पढ़ने और पढ़ाने में अति सरलता मिलेगी। अब ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है आपका कि कविता एक और कहती है, जग का भार लिए फिरता हूँ, जग का भार संसार का बोझ लेकर घूमने की बात करती है, और दूसरी ओर कविता कहती है, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। ये कैसे, ये उल्टी बातें, ऐसी विपरीत वाक्यों का क्या आशय है, इसका क्या अभिप्राय है? अब देखिए, कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने यह कहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं संसार का बोझ लेकर चल रहा हूँ। दूसरी अगली पंक्ति में वो कहते हैं कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कविता को पढ़ते समय भी मैंने इस बात को स्पष्ट किया था, एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ, संसार का एक अपना नियम होता है। संसार में, समाज में, देश में, किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, सबके रहने के, चाल चलन के, प्रथाओं के, रीति रिवाजों के अलग अलग नियम बने हुए हैं, और हर व्यक्ति को उन नियमों का पालन करना पड़ता है जो भी इस संसार में आ जाए। जैसे किसी भी घर में एक नया शिशु जो जन्म लेता है, जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, वह अपने परिवार की परंपराओं, रीति रिवाजों और तमाम जो भी वहाँ के क्रियाकलाप होते हैं उन्हीं को सीखता, उसी का अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ता है, आगे अपने भविष्य को बनाता जाता है, और उसे अपने परिवार से जुड़े सारे नियमों का पालन करना है, फिर परिवार से निकलकर गांव, समाज के, समाज से देश के, देश से विश्व के, सारे नियम जो आपके हैं एक से एक जुड़ते जाते हैं, इसमें जुड़कर रहना, इसीलिए और हर व्यक्ति को ये नियम मानने, संसार में जीवन जीने का जो नियम है इसको हर व्यक्ति को मानना पड़ता है। इसीलिए कवि ने भी शुरुआत में स्वीकार किया कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं संसार में जीवन बिताने के ये जो नियम है इनका भार लेकर चल रहा हूँ। लेकिन कवि ने यह अनुभव किया कि वो इन नियमों के साथ चलने में असमर्थ है, ये नियम उसे खुल करके अपने मन के अनुसार जीने नहीं देते, इसलिए उसने सारे नियमों को छोड़ दिया और कहता है मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं तो कभी नियमों के बारे में अब सोचूंगा नहीं, सोचता ही नहीं हूँ, मैंने अपने नियम, अपनी शैली, अपना जीवन खुद बनाया। तो विपरीत परिस्थितियाँ यही है, आप इसका अर्थ इस प्रकार से लिखेंगे कि पहली पंक्ति में यह बताया गया है कि संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को जीवन जीने का ढंग संसार से सीखना पड़ता है और उसी के अनुसार जीवन बिताना पड़ता है, किंतु कवि स्वयं को इस तरह से जीवन बिताने में असमर्थ पाता है, इसलिए वह सारे नियमों को त्याग देता है और कहता है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, वो इन सब को छोड़कर अपने जीवन की नई शैली का निर्माण करता है। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, जिसमें कहते हैं जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, इसका क्या अर्थ है? मैंने आपको बताया था, नादान माने भोला भाला व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, अल्प ज्ञानी भी कह सकते हैं जिसे थोड़ा बहुत ज्ञान हो, और दाना का मतलब जहाँ ज्ञानी लोग, जिनके पास ज्ञान के भंडार हों, बुद्धिमान बुद्धिजीवी हों। तो यह जाहिर सी बात है, दुनिया में जहाँ सत्य है वहीं असत्य है, जहाँ पाप है वहीं पुण्य है, जहाँ पुण्य वहीं पाप है,
जहाँ नीति है वहीं अनीति है, जहाँ बुद्धिमान है वहीं ज्ञानी भी है। अर्थात एक ओर जहाँ अच्छी चीज है वहीं दूसरी ओर बुरी चीजें भी हैं। दुनिया में सारी चीजें समान रूप से विद्यमान है, इसीलिए कवि ने कहा है कि जहाँ पर दाना रहते हैं वहाँ नादान भी होते हैं। ये तो आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर बात करें हम तीसरे प्रश्न की। कहते मैं और जग और कहाँ का नाम, ध्यान दीजिएगा तीन बार और शब्द है, मैं लिख देता हूँ आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर, ठीक है। कहते हैं मैं और कामा और जग, फिर कहा और कहा का नाम तीन बार और शब्द आया है। मैं और जग और कहा का नाता। अब ध्यान दीजिए इसमें कवि ने कहा मैं और हूं, अर्थात मैं अलग हूं अन्य के लिए, मैं तो अलग हूं, एक मैं और एक संसार है, ठीक है। मैं और यानी ये और जो है ये अन्य के लिए बांटने के लिए आया, अलग करता संसार से कवि को। कहते मैं और मैं अलग हूं और जब जुड़े अलग, ये वाला जो और है ये विभक्ति के रूप में आया, ये दूसरा शब्द प्रयोग है, और तीसरा और जो है ये फिर अन्य के लिए आया है, ठीक है। तो कवि कहता है कि मैं अलग, ये रिश्ते नाते अलग और संसार अलग है, ये मैं और ये अन्य के लिए प्रयोग किया गया, संसार से कवि को अलग किया, ठीक है। और संसार इन दोनों के बीच में और लगा करके इस शब्द ने अलग किया, जैसे हम कहते राम और श्याम, राम और श्याम यानी राम श्याम दो लोग हैं, तो ये शब्द जो है वो विभक्ति का दूसरा शब्द जो और है ये वास्तविकता, जबकि इस और का मतलब अलग भी होगा अन्य, इसीलिए मैंने लिखा इसका अर्थ है अलग। देखिए इनको बांटना और अलग करने का अंतर, कहते हैं कि मैं और मैं अलग हूँ, संसार अलग है और संसार के रिश्ते नाते भी अलग हैं। तो और शब्द यहाँ विभक्ति है, यहाँ अन्य के लिए प्रयोग किया गया, यहाँ भी अन्य के लिए प्रयोग किया गया। आप ऐसे लिख लेंगे कि पहला और शब्द अन्य के लिए है, दूसरा और शब्द विभक्ति के रूप में, तीसरा और शब्द फिर अन्य के लिए प्रयोग है। बार बार और शब्द के आने के कारण इस पंक्ति में यमक अलंकार है, बार बार एक ही शब्द आया है और अर्थ उसके अलग अलग है, दो बार का अर्थ एक समान है, तीसरे का अर्थ अलग है, ठीक है। यमक अलंकार को आप पढ़ेंगे। तो अब ध्यान दीजिए ये आपका तीसरा हो गया, इसमें यमक अलंकार का हम प्रयोग लिख देंगे। फिर बात करते हैं आपके चौथे प्रश्न, चौथा है कि शीतल वाणी में आग, इसका प्रयोग करके कवि क्या कहना चाहता है, ध्यान दीजिए। शीतल वाणी में आग अर्थात ठंडक में भी नमी, आग है जो शीतल नहीं हो सकती और जो शीतल है वह आग नहीं हो सकती। कभी कहता है कि मेरी वाणी भले ही शीतल है, भले ही मैं सदैव शांत भाषा का प्रयोग करता हूं, किंतु मैं ऐसी बातें करता हूं जो ओजपूर्ण होती है, प्रतिकार करने में किसी का विरोध करना हो तो तुरंत मुंह पर, जिसको हम कहते ना हमेशा साथ रहेंगे, साथ बोलेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, गाएंगे, लेकिन अचानक आपका विरोध कर देंगे जो आपको बुरा लगेगा, तो वही कवि की दशा कहता मेरी वाणी शीतल है, मेरी भाषा शांत है, लेकिन मैं प्रतिकार बड़े कड़े शब्दों में करता हूँ, कोई भी बुरी बात, कोई भी गड़बड़ बात हो, किसी की भी कमी को बताना हो तो बिना संकोच किए मैं उसको कह देता हूँ, वही वाणी आग का काम करके सामने वाला चिढ़ जाता है, इसीलिए कहा मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मेरी शीतल वाणी में भी आग है, मेरी वाणी में बोझ है, उत्साह है और विरोध करने की क्षमता है, यही यहाँ कहने का प्रयास किया। शीतल वाणी में आग का अर्थ है कि शांत भाषा के माध्यम से भी विरोध किया जा सकता है। ये तो था आपका चौथा प्रश्न। अब आते हैं अपने पांचवें पर, बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। कल मैंने अभी आपको पढ़ाया
कि जब एक चिड़िया दाना चुगने जाती है तो सोचती है कि उसके बच्चे जो हैं वो नीर से नीर गाकर घोंसला नीर गाकर घोंसला कहते हैं बच्चे जो हैं वो घोंसले से झांक रहे होंगे, इस इंतजार में होंगे कि अभी उसकी माता जी आ रही होंगी, उसकी माँ आएगी दाना लेकर के। तो यही आशा है बच्चों के मन में, प्रत्याशा जिसके बात की गई थी वहां उनके मन में। तो बच्चे किस आशा में झांक रहे हैं नीरों से, बच्चे किस आशा में झांक रहे हैं कि अभी उनकी माँ उनके लिए भोजन लेकर के आती ही होगी, इसीलिए वह घोंसले से नीर से चेहरा सिर को बाहर निकाल करके झांक रहे होंगे, इधर उधर देख रहे होंगे। फिर अगला है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस आवृत्ति में कविता को किस विशेषता का पता चलता है, कविता की विशेषता इस पंक्ति में दिन जल्दी जल्दी ढलता है के माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि समय जो है वो बहुत शीघ्र ही बीत जाता है, समय को कोई रोक नहीं सकता, इसकी गति निरंतर चलती रहती है, समय कभी भी वापस लौट कर नहीं आता, यह निरंतर बीतता है, जल्दी जल्दी बीत जाता है। जो व्यक्ति समय का ध्यान नहीं रखते उन्हें पता भी नहीं चल पाता समय कब बीत गया और उनका कितना नुकसान हुआ, इसीलिए कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए आज हम लोग केवल इतनी ही चर्चा करेंगे, तीसरा मतलब दूसरा पाठ आपका जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो है आलोक धर्मा, आलोक धर्मा द्वारा रचित एक कविता है पतंग, जिसको हम लोग अगले अंक में पढ़ेंगे। इतने को आप पढ़िए, कोई समस्या होगी तो उसके लिए आप सूचना दीजिएगा, ठीक है।